नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से, मानव जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। इन खूबसूरत पंक्तियों के लेखक ही हैं हमारे आज के नायक, सुंदर और मनमोहक कविताएं लिखने वाले, प्रकृति की सुंदरता को कविताओं में उतारने वाले, छायावादी युग के प्रमुख कवि, वर्ड्सवर्थ ऑफ हिंदी पोएट्री के नाम से जाने जाने वाले महाकवि सुमित्रानंदन पंत। नायक, नायक। बताऊंगा आपको कि कैसे अपनी महान रचनाएं ये कवि लिख चुका था 7 वर्ष की उम्र में ही। सदी के किस महानायक को उसका नाम दिया सुमित्रानंदन पंत जी ने और कैसे मिला भारत को दूरदर्शन? होंगे और भी कई दिलचस्प, रोचक और प्रेरणादायक किस्से महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन से जुड़े हुए। साथ ही सुनेंगे आप वो गाने, वो खूबसूरत नगमे जो हिट थे और हिट रहेंगे। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अनजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझे भेजता मौन। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। जन्म के सिर्फ 6 घंटे बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। 7 भाई बहन थे वो, इनमें सुमित्रानंदन सबसे छोटे थे। बचपन में उनका नाम था गोसाई दत्त, लेकिन जैसे ही थोड़ी समझ आई उनमें, उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वयं ही सुमित्रानंदन पंत रख लिया। आरंभिक लालन पालन दादी के हाथों हुआ। व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, उन्नत ललाट, लंबी नाक, शारीरिक सौष्ठव, सभी में वो अलग दिखते थे। 1918 में काशी गए, क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, वहीं अध्ययन कार्य पूरा किया। 1921 में महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कॉलेज छोड़ दिया और घर पर रह हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और लेखन पर गांधी, मार्क्स और सिगमंड फ्रायड का खासा असर दिखा। 1955 से 1962 तक मुख्य प्रोड्यूसर की हैसियत से वो आकाशवाणी से जुड़े और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली, एक नई गति आई उनके जीवन में। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की, जो दुनिया भर में वर्ड्सवर्थ ऑफ हिंदी कविता के नाम से जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जब बालक थे तभी से उन पर लिखने का शौक सवार हो चुका था। जब वे 7 वर्ष के हुए तब तक उन्होंने गिरजे का घंटा, बागेश्वर का मेला, तंबाकू का धुआं, ये साड़ी इत्यादि कविताएं लिख ली थी। ऐसा मानते हैं कि गिरजे का घंटा उनकी पहली कविता थी। नब की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर। आप देखिए साहब, कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, क्या लय है, और सिर्फ 7 साल के एक बच्चे के कलम से निकली थी ये कविताएं। पढ़ाई का बहुत शौक था उन्हें, नाटक खेलने का भी बहुत शौक था स्कूल में, लेकिन समस्या ये आ जाती थी कि दुबले पतले शरीर की वजह से और गोरे रंग की वजह से लड़कियों की ही अधिकतर भूमिकाएं उन्हें करने को मिलती थी नाटकों में। 1918 तक
हिंदी के नवीन धारा के वो प्रमुख कवि माने जाने लगे थे। 1926-27 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ था। अगर सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता यात्रा को समझना है तो उसे तीन हिस्सों में बांटा जाना चाहिए समझने के लिए। पहली छायावादी, दूसरी समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी और तीसरी अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। उनकी आध्यात्मवादी कविताओं की खास बात यह हुआ करती थी कि वो प्रकृति को भगवान, खुदा और खुद को एक बंदा मानकर कविताएं लिखा करते थे। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महाकवि सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो जानी मानी काव्य कृतियां हैं उनमें प्रमुख हैं ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम इत्यादि। उनकी 28 किताबें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, उपन्यास, कहानी, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। 1916 में जब वो जाड़ों की छुट्टियों में कोसानी गए तो उन्होंने हार शीर्षक से 200 पन्नों का एक उपन्यास लिखा था, जिसमें उनके किशोर मन की कल्पना के नायक, नायिकाओं और पात्रों की मौजूदगी थी। कवि रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा पंत जी आलोचक, विचारक और गद्यकार भी रहे थे। प्रकृति से उनका बेहद लगाव था और क्यों ना हो, क्योंकि उनका जन्म ही बर्फ से ढके पर्वतों की अत्यंत आकर्षक घाटी अल्मोड़ा में हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य से उनका लगाव बिल्कुल सहज था, नेचुरल था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भंवरा, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़ गगन से उतरती संध्या, ये सब उनके काव्य का, उनके गद्य का हिस्सा थी। सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाती द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूं है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी, चमक रही चपल क्षण क्षण पर, झनक रही झिल्ली झंझन कर, नाच आंगन में गाते केकी केका, काले बादल में लहरी चांदी की रेखा, काले बादल, काले बादल, मन भय से हो उठता चंचल, कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही है साजे दलबल, आग लग रही घात चल रहे विधि का लेखा, काले बादल में छिपी चांदी की रेखा। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो वो क्या किस्सा था, क्या कहानी थी, क्या कोइंसिडेंस था कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने रख दिया अपने एक बहुत अच्छे दोस्त जो स्वयं एक कवि थे उनके बेटे का नाम, और नामकरण किया किसी ऐसे शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त पर कि उस नाम का डंका आज तक भारतीय फिल्म उद्योग में बजता ही जा रहा है, गूंजता ही जा रहा है। एक बहुत ही प्यार भरी क्रांति लाने का स्वभाव उनकी कविताओं में होता है। उनकी कविताएं मानवता के संदेश से ओतप्रोत होती हैं। मतभेदों को भुलाकर स्नेह प्रेम से भरे देश समाज की वकालत करती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की साधना अगर किसी ने सही मायनों में अपने लेखन में की है तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत जी। बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही करीबी मित्र थे सुमित्रा नंदन पंत जी के। अक्सर पंत साहब इलाहाबाद जाया करते थे और अपने मित्र हरिवंश राय बच्चन के घर ही कई बार रुकते थे। एक बार इलाहाबाद में जब वो हरिवंश राय बच्चन जी के यहाँ रुके हुए थे, उसी समय तेजी बच्चन नर्सिंग होम में एडमिट थी। हरिवंश के घर एक बेटे का जन्म हुआ था। पंत जी भी नर्सिंग होम पहुंचे तेजी बच्चन
और नवजात शिशु को देखने उनसे मिलने। बच्चे को माँ की बगल में लेटा देख, उसके सर पर काले काले बाल लहराते देख, प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत जी के मुंह से अनायास ये वाक्य निकला और उन्होंने अपने मित्र से कहा, बच्चन देख कितना शांत और ध्यानमग्न है ये बालक, मानो अमिताभ हो। तेजी जी ने जैसे ही सुना अमिताभ, उन्हें ये नाम पसंद आ गया। बस उसी समय फैसला हो गया कि नवजात शिशु का नाम होगा अमिताभ, अमिताभ बच्चन। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी के महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की। तो बात कर रहे थे हम कि कैसे कुछ लोगों की नजर में, दृष्टि में महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी एक नामदेव भी थे जैसे। बड़े अच्छे अच्छे नाम देते थे, अमिताभ बच्चन का नाम रखा उन्होंने, वो किस्सा भी आपने सुना। साथ ही एक और ऐसी संस्था का नाम भी उन्होंने रखा जो भारतीय जनमानस के साथ, हमारी साइकी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है, जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है, मैच्योर हुई है। बात 1950 के दशक की है। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी इलाहाबाद में हिंदी के चीफ प्रोड्यूसर की तरह अपनी सेवाएं देने के बाद सुमित्रानंदन पंत जी साहित्य सलाहकार के रूप में आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन इंडिया नाम से भारत में टीवी प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन सरकार इस नाम से खुश नहीं थी। सरकार की मंशा थी कि भारतीय टेलीविजन का नाम, ब्रांड नेम कुछ हिंदी होना चाहिए, विशुद्ध भारतीय होना चाहिए। ऐसा कोई नाम होना चाहिए जो एकदम से जन जन की जुबा पर छा जाए। फिर साहब सब ने ढूंढा पंत जी को, क्योंकि ये जटिल काम कोई और तो अंजाम दे नहीं सकता था। दो दिन सोचा सुमित्रानंदन जी ने और फिर जो नाम दिया उस पर सब फौरन एक मत हो गए। नाम सुझाया था सुमित्रानंदन पंत जी ने, दूरदर्शन। जी हाँ, वही दूरदर्शन जिसके साथ हम और आप करोड़ों करोड़ों भारतीय बड़े हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की नाम देने की कला की तो चर्चा हो गई, लेकिन उनकी विद्वता, उनके सरल और निर्मल हृदय की भी कुछ बात आपको सुनाता चलता हूँ। पंत जी के महादेवी वर्मा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और कवियत्री महादेवी वर्मा के निराला जी से बहुत गहरे संबंध थे। दोनों में जैसे भाई बहन का रिश्ता था। एक बार की बात है कि सुमित्रानंदन पंत निराला जी के कुछ अजीब से व्यवहार से बहुत परेशान थे। फिर कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि आप अपनी परेशानी को महादेवी वर्मा जी को बताएं, वो इसका निदान कर देंगी। पंत जी महादेवी वर्मा के पास गए, उनसे कहा कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं जब भी देखता हूँ निराला जी की तरफ, मैं ये देखता हूँ कि वो मुझे ही घूर रहे हैं। मैं नर्वस सा हो जाता हूँ, क्या किसी बात से नाराज है वो मेरी? मुझे नींद नहीं आती इस बारे में सोच सोच कर। वो गई निराला जी के पास, तो निराला जी का उत्तर देखिए। उन्होंने कहा, सुमित्रानंदन पंत इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे और सुंदर लगते हैं कि एक बार उन पर नजर पड़ती है तो फिर हटती नहीं है, इसलिए देखता रहता हूं। अब आप देखिए कितनी सरल सी बात थी। दोनों कोमल हृदय कवि और बीच में कवियत्री महादेवी वर्मा, तीन इतने महास्तंभ भारतीय साहित्य और काव्य दुनिया के, और बातें कितनी सरल, कितनी निर्मल, यही तो इनकी खूबसूरती थी। और वही शायद जो अंदर की खूबसूरती थी, पवित्रता थी, निर्मलता थी, वही कलम के जरिए शब्द बनकर कागज पर उतरती होगी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी कविता के सबसे प्रमुख सुनहरे हस्ताक्षरों में से एक, वर्ड्सवर्थ ऑफ हिंदी पोएट्री, महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की। तो कैसे एक ऐतिहासिक कविता लिख डाली इस महाकवि ने एक छोटी सी चींटी पर। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के भाव से कई लोग देखते हैं चींटी को। पंत जी ने अपनी एक कविता चींटी पर लिखी है और अपनी पहली पंक्ति में उस कविता के वो पाठक से प्रश्न कर बैठते हैं कि आपने क्या चींटी को देखा है। इससे पाठक के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है, फिर उसी का वो उत्तर देते हैं और कविता आगे बढ़ती है। चींटी को देखा,
वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह पिपलिका पाती काम करती वह सतत, कन कन कांके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती, देखा चीटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन में, वह जिंदगी की चिंगी अक्षय। ये कविता तो चीटी पर है, लेकिन हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रबल समर्थक कवि पंत जी ने इसके जरिए एक छोटी सी चीटी के माध्यम से पूरे विश्व और मानव कल्याण के लिए सभी आवश्यक बातें संकेतों के रूप में कभी और कभी बड़े मुखर अंदाज में कह दी हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में उदय हुए थे। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे छायावादी, प्रकृति उपासक, सौंदर्य पूजक कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी के साहित्य में अविस्मरणीय योगदान की वजह से ही उनको हिंदी का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। जहां उनका जन्म हुआ था, जहां वो पले बड़े हुए थे, यानी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में कोसानी शहर में, वहां उनका पैतृक निवास आज एक संग्रहालय में परिवर्तित हो चुका है। अगर आपको हिंदी साहित्य में, हिंदी कविताओं में रुचि है, तो जरूर जाइएगा अगली बार जब उत्तराखंड की पहाड़ियों में सैर के लिए जाएं, थोड़ा समय कोसानी के लिए भी निकालिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी जहां खेले कूदे बड़े हुए, उस स्थान को भी देखिएगा। इसी के साथ मुझे संजीव श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए, कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।